आपका कौशिक किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं इमली की चटनी, जो सभी तरह के चाट में काम आती है और बहुत ही चटपटी चटनी होती है, जिसे आप बना के स्टोर में कर सकते हैं और बाद में कभी भी किसी चाट, समोसा या भेलपूरी, किसी भी चाट में ये चटनी यूज में ले सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे 100 ग्राम इमली, जो हमने रात भर के लिए सोक करी थी, भिगोई थी, और रात भर ये गल चुकी है अच्छे से, इसलिए अब हम इसे इस तरह से पैन में डाल रहे हैं। और अब हमने गैस ऑन कर दी है, जिससे कि जो ये थोड़ी सी सॉफ्ट, थोड़ी सी जो हार्ड है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इमली। और फिर हम इसमें मिलाएंगे हमारा गुड़ का पाउडर। मैंने गुड़ का पाउडर बना रखा था, उसे मैं यहाँ मिला रही हूँ। 200 ग्राम गुड़ का पाउडर है, 100 ग्राम हमारी इमली है, 200 ग्राम गुड़ का पाउडर है। इसे हम मिक्स करके इस तरह से बहुत मीडियम फ्लेम पे इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब ये जो गुड़ का पाउडर है वो मेल्ट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इमली में, तब हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये चटनी और आप बना के इसे रख सकते हैं फ्रिज में, एयर टाइट कंटेनर में, और जब भी आपका मन हो ढोकला, किसी भी तरह का ढोकला बनाएं, उसके साथ ये खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। यहाँ पे मैं 2 चम्मच 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर मिला रही हूँ। आप तीखा, अगर आप थोड़ा सा तीखा चाहिए तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्ची। स्वाद अनुसार नमक मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक मिलाया है, 1/2 चम्मच काला नमक मिला रही हूँ मैं यहाँ पे, और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर मिलाया है। आप इसमें सौंठ भी मिला सकते हैं, सौंठ जो अदरक का पाउडर होता है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। मैं यहाँ पे आज सौंठ का पाउडर नहीं मिला रही, आप चाहें तो उसे मिला सकते हैं। जो बाजार की चटनी होती है उसमें सौंठ का पाउडर मिला होता है। ये देखिए हमारा जो जगरी पाउडर था, गुड़ का पाउडर था, वो मेल्ट हो गया है, मिक्स हो गया अच्छे से इमली में। इसे थोड़े देर के लिए ढक देंगे, जिससे कि ये अच्छे से इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए मैंने ढक दिया था, बिल्कुल तैयार है हमारी चटनी। इसे हमें छान लेना है और छानने के बाद जो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट निकलेगा वो चटनी हम कंटेनर में भर के रखेंगे और बाद में यूज़ में लेंगे। और जो इसका जो लेफ्ट पोर्शन बचेगा इस तरह से छलनी में छानने के बाद, उसको आप रख के बाद में चाहें तो सांभर में मिला सकते हैं। सांभर में जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है वो इमली से आता है, वो आप ये जो इसका लेफ्ट ओवर बचता है उसे आप रख सकते हैं फ्रिज में, और बाद में जब भी सांभर बनाएं उसे यूज में ले सकते हैं। उसमें भी बहुत कुछ खट्टा पोर्शन बचता है इमली का, तो आप उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने छान ली है पूरी तरह से चटनी, ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, मुझे इसको स्टोर करना है इसलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं मिला रही। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, आप भी इसे बनाइए और अपने व्यूज और कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।